सो है गाइस, व्हाट इज सब, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो सबसे पहले तो थैंक्स आप सभी लोगों को जो कि मेरे साथ मेरे पिछले रिजल्ट से जुड़े हुए थे। 6 मंथ्स बैक जाए तो हमारा रिजल्ट आया था CA फाउंडेशन 2022 दिसंबर का। उसमें परफॉर्मेंस मेरी कुछ इस प्रकार की कि भाई मेरे 194 मार्क्स थे, मैं 6 मार्क्स से रह गया था। बात करते हैं अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, मेरी वीडियो अपलोड हुई है और मैं ऊपर वाले जो से पास हो गया। बाकी देखो यार, पास हो गया बहुत खुश हूँ, बट मेरे कुछ दोस्त फेल भी हुए हैं, उनको देख के दुखी भी हूँ। और वैसी बात है यार, आप पास हुए हो और आपके साथ के बंदे फेल हुए तो थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है। और यहाँ खुश हूँ भाई, मेहनत की थी, पास हुआ, रिजल्ट आया, जो एक्सपेक्ट था वो ही आया। मैं बोलूँगा नहीं कि नहीं आया, बट हाँ थोड़ा था कि ज़्यादा और हो सकता था, बट हाँ पास हो गया, वेल इनफ, मेरे लिए काफ़ी है इतना। एंड हाँ, अभी उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा, वो सब डिस्कस करने तभी बैठा हूँ आप लोगों के सामने कि वट अबाउट नेक्स्ट आफ्टर रिजल्ट, कि रिजल्ट आ चुके हैं, काफ़ी बच्चे अभी मेरी तरह बैठे होंगे कि भाई अब क्या करना है, रिजल्ट तो आ चुके हैं, मतलब कैसा, किससे पढ़ना है, क्या नया कोर्स, मतलब बहुत चीज़ें होंगी, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो मैं भी एंटर नहीं किया हूँ, बट हाँ जितना मैंने पहले थ्योरी में थोड़ा देखा था, थोड़ा अपने रिसर्च की थी कैसे पढ़ना है और कैसे करना है चीज़ों को, मैं बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 9-10 मिनट की, तो ध्यान सुनना, कोई इसमें मैं एडिटिंग नहीं करूँगा। फर्स्ट थिंग, अभी मैं कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, 15 अगस्त के बाद से मैं स्टार्ट करूँगा। पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन कराऊँगा, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ICI में टीचर्स को हायर करूँगा। मैंने टीचर्स चुन लिए अपने लिए, आप लोगों ने भी चुन लिए होंगे, तो मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा टीचर बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्या लग रहा है आपको, कौन सा बेस्ट हो सकता है। ये जो मेरे भाई नए नए इनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मैंने चुना है फिजिक्स वाले से लूँगा, फर्स्ट ग्रुप का मैं परचेस करूँगा, बाकी विजय शारदा उनसे लूँगा मैं टैक्स का DT का, वो DT बढ़ाते हैं बस, तो उनसे DT लूँगा, बाकी फिजिक्स वाले से फर्स्ट ग्रुप करूँगा। बोथ ग्रुप मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, मेरा मन अभी थोड़ा ऊपर नीचे सा, मैं बोथ ग्रुप नहीं जाऊँगा अभी जितना मैं सोचा, अभी फर्स्ट ग्रुप पे चलते हैं, बाकी बोथ ग्रुप बिटवीन कभी हुआ तो कर लेंगे, बाकी फर्स्ट ग्रुप पे फोकस करते हैं। तो उसके लिए हम पे 3 बुक्स हैं, नया सिलेबस आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो 3 बुक्स हम पे, अकाउंट्स, लॉ और टैक्स, कॉस्टिंग अलग हो गया। बाकी हाँ, अकाउंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर वन के लिए, तो अकाउंट्स और लॉ और टैक्स ये 3 करना है अपने को अच्छे से एकदम। स्टार्ट करूँगा मैं 15 अगस्त के बाद से, 16 अगस्त से लेके आगे तक चलते रहेगा, बाकी और तो कुछ है नहीं। आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को क्या, कैसी वीडियो अब आगे चाहिए। हाँ मैंने ITI फाइल की थी अभी, तो सर्वर क्रैश जा रहा है मेरा, नहीं हो रहा है, ITI में फाइल करा था अभी, आप लोगों को दिखा दूंगा, देखो यार ITI फाइल तो नहीं होता, बाकी हाँ ये था। अभी मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपनी कॉपी मंगाऊंगा, उनको थोड़ा गो थ्रू उस कॉपी से, थोड़ा समझूंगा उस कॉपी को कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी और नंबर कहाँ बढ़ सकते थे, क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, वो सब कर लूँगा, उसके बाद में थोड़ा चैन आएगा, उसके बाद ही मैं अपना सब कुछ स्टार्ट कर पाऊँगा। अभी मेरा कुछ इतना दिमाग चला, थोड़ा दिन मैं रेस्ट देता हूँ अपने आप को, 4-5 दिन रेस्ट दूंगा कि अब क्या करना है, वो स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा अपने पढ़ने के लिए कि आगे कैसे पढ़ना है और क्या करना है, पसीने आ रहे मेरे को, यही है। बाकी जो होगा मैं डालता रहूँगा साथ साथ, स्टडी कैसे कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, क्या नए नए प्लान्स बना रहा हूँ मैं, कैसे पढ़ना है, क्या स्केड्यूल है मेरा, वीडियोस में एक दिन में कितने, मतलब जो भी मेरा रहेगा पैटर्न में, सब लोग आपसे सब कुछ आपसे डिस्कस करूँगा मैं, ताकि आप लोगों को भी एक हिंट मिल सके हाँ ऐसे पढ़ना है। तो ये सब था कि मैं अब क्या करूँगा, वो था बता दिया, अब लोगों ने सुन लिया, और क्या कर रहा हूँ वो भी बताया आपको, बाकी बहुत खुश हूँ रिजल्ट आ गया इस बार, रिजल्ट वैसे बहुत टफ आया है, मतलब हार्ड आया है, 26% का रिजल्ट रेट आया भाई, वरना हमेशा मोस्टली ये था कि इस बार तो ज़्यादा आना चाहिए था, 30-40 आना चाहिए था। आपने विजू सर की वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, नहीं देखी हो देखे ना, उन्होंने बताया कि रिजल्ट 30-40 हो सकता था, क्योंकि नया सिलेबस के अंदर पुराने में हम से तो निकालते हैं, बट पेपर टफ थे, एग्जाम टफ है, तो इसलिए हो जाएंगे। जो है मेरे फील हुए बिल्कुल मत डरना, दिसंबर करीब है, 3-3.5 महीने की बात है यार, चिल करो, ऐश करो और निकाल लो। 3-3.5 महीने में क्या होता है, 3 महीने में अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेपर है, 3 महीने की बात है, पढ़ो, इजी पढ़ो, मस्त चिल करो, चिल तो नहीं कर पाओगे पर मस्त रहो, 3 महीने की बात है, कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई, कोई अटैम्प वगैरह मत देखो यार, फाउंडेशन निकालो, खत्म करो, 3 महीने की बात है, मैंने भी कर देना, आप भी कर दोगे यार, 3 महीने की बात है,
पढ़ो निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है, इतना मत सोचो यार, इतना टाइम दे दिया एक बार और दे दो यार, हो जाएगा। थर्ड टाइम सेकंड टाइम फोर्थ टाइम ये सब मत देखो, बस करते रहो करते रहो। तुम देख रहे हो कहीं तुमने इस बार कहीं मिस्टेक की तो उसको ठीक करना, अगली बार उसको ठीक करना, तो ये सब चलता रहता है। बाकी रिजल्ट आ चुके हैं, आप जिन्होंने अभी भी नहीं देखा भाई देख लेना, वैसे देख लिया मोस्ट ऑफ लोगों ने, मजाक कर रहा था। बाकी ठीक है ये कर लेना। और दूसरी बात कि हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए कि स्ट्रेटेजीज चाहिए कि कैसे पढ़ना है, जो मैंने ली थी अपने लिए, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाई थी कि कैसे मैं सेकंड टाइम में पढ़ा था, जिससे कि मेरे को हेल्प किया, मेरे लॉ में भी 56 प्लस मार्क्स हैं, 55 प्लस मार्क्स हैं, मैथ्स में 55 प्लस मार्क्स हैं, इको में 70 हैं, और अकाउंट्स में मोस्टली 60 के आसपास है। तो आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी जब मेरी आ जाएंगी तब मैं डाल दूंगा, आप लोगों से थोड़ा हिंट मिल जाएगी कैसे चेकिंग वगैरह होती है। वैसे मैंने डाली हुई है पर इस बार फिर डाल दूंगा। और आप लोग अगर प्लान चाहिए होंगे कैसे पढ़ना है, मैं देखो ये नहीं बता रहा कि मेरे थ्रू ही पढ़ो, बट मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूंगा कि ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा है और तो अच्छा रहता है। और बेसिकली बताना आप लोग, कमेंट करना कि वीडियो में आपको क्या क्या चाहिए, तो मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। अब मेरा फाउंडेशन निकल चुका है, अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बिहार पे आप लोगों को कैसी कैसी वीडियोस चाहिए वो सब बताना, मैं बना के डाल दूंगा आप लोगों की, थोड़ी हेल्प हो सके। ये चैनल सिर्फ इसीलिए कि थोड़ा लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, थोड़ा उनकी हेल्प कर सकूँ, अपनी जर्नी शो कर सकूँ कि भाई डेप्थ वाला सीन है। फाउंडेशन वाले जो बच्चे दिसंबर वाले हैं उनके लिए वीडियो डालूंगा मैं कि प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी, हर पेपर की प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी, उसकी हर पेपर वाइज स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी, ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट की वीडियोज़ रहेगी हर पेपर वाली, वो डाल दूंगा। और अपनी सर्टिफाइड कॉपीज जरूर डालूंगा मैं ध्यान से, वो तो यहाँ से डालनी है मेरे को, सर्टिफाइड कॉपीज मेन है भाई मेरे लिए, तो वो डालूंगा मैं। बाकी तो और कुछ नहीं, ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, आप लोगों से बता रहा था कि भाई कैसा कैसा चल रहा है अभी रिजल्ट के बाद, मेरा क्या हाल है, आप लोग क्या समझ लो। तो फिर से बोल रहा हूँ, जो जो आपको वीडियो अच्छी होंगी, जो भी डाउट्स होंगे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। बाकी RTI फाइल कर रहा हूँ अभी, आप लोग भी करूँ तो आप लोग भी सेट कराया जाएगी, तो मेरी भी जा रही है, मैं करूँगा नेक्स्ट स्टेप तो बता दूंगा आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस, बाय।